वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक। आज छोले भटूरे बनाने का प्लान है, तो ये मैं छोले चढ़ा रही हूँ। रात मैंने भिगो दिए थे, तो मैं जब इसको चढ़ा रही हूँ तब इसमें मैंने टी बैग डाला हुआ है एक, थोड़ा सा कलर इसका ब्राउन करने के लिए, जिससे कि वो टच आए, जैसे कि छोले भटूरे वाले छोले होते हैं। और यहाँ पे मैंगोज़ जो हैं हमारे घर के, यहाँ पे मैं चादर बिछाने वाली हूँ अभी। वो प्रिशा थोड़े सॉर्ट आउट कर रही है, मतलब ठीक से लगा रही है। तो अभी हमारे यहाँ हैं मैंगोज़ थोड़े बहुत, और मतलब अभी जो बचे हैं बस यही लास्ट, बिकॉज अब थोड़ा थोड़ा सा मानसून जैसा होने लगा है, बार बार बारिश जैसा हो जाता है, तो अब तो मिलेंगे भी नहीं। ये लास्ट इतने मैंगोज़ हैं घर में जो हम लोग खा के एंजॉय करने वाले हैं। फाइनली मैंने यहाँ चादर लगाई है, ये वाली, ये आपको याद होगा, मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो मेरे छोले में मैंने सीटी लगा दी 6 से 7, और फिर इसका पानी ड्रेन होने के लिए इस तरह से रख दिया है। आज सबका प्लान था छोले भटूरे और अचारी आलू खाने का, तो मैं वही बनाने वाली हूँ। अच्छी तरह से मेरे छोले गल गए हैं, पानी निकालना ना निकालना आपके ऊपर है। तो इतने प्याज लिए मैंने, 2 टमाटर, इतनी लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का टुकड़ा, जिसको लंबा लंबा काटेंगे। मैं आगे आपको सब कुछ बताती हूँ कैसे बनाना है। और यहाँ आलू उबाल लिए मैंने इसके लिए, अचारी आलू के लिए। तो ये आलू भी मेरे उबल चुके हैं, इनको भी छीलना है अभी। और ये जो छोले हैं ना, ये बनाने के कई सारे तरीके होते हैं, बट मैं आज जिस तरीके से बना रही हूँ आपको दिखाती हूँ। तो पहले मैं आटा लगा दूँगी। मेरे छोले तो उबल गए, लेकिन छोले में तड़के से पहले आटा लगाऊँगी भटूरे का। इंस्टेंट भटूरे बनाने हो तो आप भी ऐसे कर सकते हो। तो ये 1 kg का पैक है जो मैंने रिलायंस से मंगवाया था। तो इसमें से मैंने 500 ग्राम तो नहीं, लेकिन हाँ 650 या 700 ग्राम्स जैसा मैदा ले लिया है। और इसमें 2 मुट्ठी की तकरीबन मैंने सूजी डाल दी है। और आगे मैं बताती हूँ और क्या क्या डालना है। नमक, क्योंकि ये इंस्टेंट बन रहे हैं तो इसीलिए, और कभी आपको भी इंस्टेंट बनाने हो ऐसे बना सकते हो। और थोड़ा सा तेल, और इसके बाद में दही लगेगी। तो पहले थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, जिससे तेल प्रॉपर मिक्स हो जाए और नमक वगैरह। इसके बाद मैंने दही ली है, ये काफ़ी सारी दही, आपको आइडिया होगा, आ गया होगा। तो मैं दही से ही ऑलमोस्ट बांधने वाली हूँ, थोड़ा ही पानी डालूँगी। तो ये इतना दही डाल दिया। और हाँ, मैं भूल गई, इसमें इनो पड़ेगा, मतलब क्योंकि ये इंस्टेंट भटूरे हैं तो आप इस तरह से बना सकते हो। इनो का पूरा एक पाउच जो है, सिंपल वाला इनो, ब्लू वाला, वो डाल दिया मैंने। और बस अब इस आटे को मैं लगाऊंगी। और ये जो आटा लगता है भटूरे का, ये ना तो बहुत लूज़ लगता है और ना ही पूरी जैसा, तो इस तरह का कुछ कंसिस्टेंसी होना चाहिए। और इसको ना पीटना होता है, क्योंकि जब इसको पीट के बनाते हैं ना, तब जो भटूरे हैं वो बहुत बढ़िया बनते हैं। तो तकरीबन हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और मेरी सासू माँ पीछे खड़ी हुई देख रही हैं, क्योंकि उन्होंने कभी छोले भटूरे बनाए नहीं हैं, क्योंकि शी इज़ महाराष्ट्रन। तो ये सब मेरे नॉर्थ साइड की चीज़ें हैं, तो मम्मी भी सीख रही थी कि भाई कैसे तुम बना रही हो, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर रही थी। तो ये मेरा आटा लग गया। अब इसको 1-1.5 घंटे के लिए मैं साइड पे रख दूँगी, जब तक अचारी आलू और छोले बनाऊँगी, वहाँ तक के लिए। तो यहाँ पे मैं आलू भी कट करके साथों साथ रख रही हूँ, क्योंकि ये मुझे अचारी आलू बनाने हैं। और मम्मी नीचे बैठ के कुछ और भी काम कर रही थी अपना। और यहाँ मैं चढ़ा रही हूँ चावल। तो चावल मैंने बासमती वाले छोले, किस छोले भटूरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। जब छोले बनते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं कि चावल ना बने, तो बासमती राइस मैंने भिगो दिए थे। और मैं देसी घी वाला तड़का लगा रही हूँ। देसी घी में थोड़ा सा ज़ीरा और नमक, और बस दैट्स इट। और मैं पानी डाल दूँगी और इसमें लगा दूँगी मैं सीटियाँ। तो अभी आपको आगे मैं दिखाती हूँ छोले कैसे बनाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये देख लो। बाल सभी के झड़ते रहते हैं, सभी को प्रॉब्लम होती है कि बाल झड़ रहे हैं और थिन हो रहे हैं। कुछ लोग के बाल थिनिंग स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, मेरे हाथ में ये है वाओ स्किन साइंस का भृंगराज हेयर ऑयल। दिस इज इन्फ्यूजन ऑफ भृंगराज, द किंग ऑफ हर्ब्स। भृंगराज हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये आपको पता ही है, मैं आपको क्या बताऊँ, सभी लोग जानते हैं। सो दिस इज अ हेयर ऑयल विच इज सो नॉन स्टिकी, बिल्कुल नॉन ग्रीजी हेयर ऑयल है, नॉन स्टिकी है और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, जो कि यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ भी है। और मैं आपको बता दूँ, इनके प्रोडक्ट्स में नो मिनरल ऑयल, नो सिलिकॉन्स एंड नो सिंथेटिक फ्रेग्रेंस। तो बिल्कुल अच्छे होते हैं, बढ़िया वाले होते हैं। ये 200 ml का बॉटल है और इस टाइप का कुछ बॉटल है। आप यहाँ से निकाल के इसको, ऑयल को बड़े आराम से सिर में डाल सकते हैं, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के। और मैं बता दूं, ये है यहाँ पे QR कोड, जिसको अगर आप स्कैन करेंगे तो प्रोडक्ट की जो ऑथेंटिसिटी है वो आप चेक कर सकते हैं। एंड suitable for all hair type, सभी तरह के बालों को सूट करता है, made in India है और बहुत ही अच्छा है। So this is restorative care for weak scalp and thinning graying hair, non sticky non greasy hair oil। So this is a lightweight, non-greasy hair oil for dry, brittle hair and roots. It helps to protect strands from damage and restore healthy shine. It calms and balances irritated and sensitive skin. Also boosts circulation to scalp and stimulates roots. तो हर तरह से hair oil आपके hair को बहुत help कर सकता है. So आज ही जाइए description box में और you can buy the product. एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता देती हूँ. इस भृंगराज ऑयल के अंदर परसेंटेज ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इज़ 99.9%. तो आप समझ सकते हो कितना अच्छा है. साथ ही साथ एक चीज़ बता देती हूँ, इनकी एक ऐप है जिसका नाम है Buywow.in, जहाँ से आप सारे प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हो. इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोडक्ट लिंक और ऐप लिंक दोनों मिल जाएगा. सो डोंट डिले, गो एंड बाय इट. तो चलिए अब बनाते हैं छोले. छोले में तड़का लगाते हैं. तो ये चावल जो है मैंने दूसरी गैस पे चढ़ा दिए और इसमें डाला है तेल. आप सोचेंगे इतना तेल, तो यस, क्योंकि छोले बहुत सारे हैं. तो जैसे गर्म होगा इसमें मैंने हींग और ज़ीरा डाल दिया है और इसको फूटने देंगे. और इसके बाद इसमें मैंने हरी मिर्च और अदरक के लंबे टुकड़े किए हैं. तो आधे मैं बचा रही हूँ, आधे डाल रही हूँ. आधे क्यों बचा रही हूँ वो आप बाद में देखना, ठीक है ना. तो इसमें जूलियन डाले हैं मैंने, जूलियन किए थे अदरक के और हरी मिर्च के, वो डाल दिए हैं. इसके बाद ये एक मैं वो वाला डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट जो डालते हैं ना, वो आप चाहे तो घर का डाल सकते हैं. ये घर पे ख़त्म हो गया था तो मैंने ये पैकेट डाल दिया है. और ये आप स्किप भी कर सकते हो टोटली, क्योंकि हमने लहसुन हमारे पेस्ट में भी डाला है. तो ये देखिए कितना सारा पेस्ट है, क्योंकि छोले भी बहुत है. तो इसमें 5 के करीब प्याज हैं, 3 के करीब टमाटर हैं, 8 से 10 कलियाँ लहसुन की हैं, अदरक हरी मिर्च का छोटा सा टुकड़ा भी है, एंड दैट्स इट. सब कुछ साथ में मैंने ग्राइंड कर दिया हुआ है. तो ये इस तरह से डाल देंगे और इसको पकने में काफ़ी टाइम लगता है. ये मसाला बहुत अच्छे से भूनना है ताकि कोई कचास ना रह जाए इसके अंदर. और जब ये थोड़ा पकने लगेगा, तेल छोड़ना शुरू करेगा, तब इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी और इसके अलावा पड़ेगा लाल मिर्ची पाउडर. और ये जो छोले हैं ना, ये भटूरे वाले छोले हैं, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं भटूरे के साथ इस कलर के छोले, ब्राउनिश काइंड ऑफ. और ये डाल रही हूँ मैं छोले मसाला, बस यही ज़्यादा पड़ेगा. हल्दी मिर्ची मैंने थोड़ा थोड़ा ही डाला है. ज़्यादा मसाले डालने से ना फिर वो मज़ा ख़राब हो जाता है. छोला मसाला ही ज़्यादा पड़ेगा बस. तो वो मैंने डाल दिया है और इसके अंदर डाला मैंने हरा धनिया. और मम्मी बाजू में खड़ी हैं, देखिए वो मुझसे सीख रही हैं, कह रही हैं तुम्हारी रेसिपी मुझे भी सीखनी है तुमसे. तो यहाँ पे खूब अच्छे से मेरा मसाला पक गया है. तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने किचन किंग मसाला ऐड किया. ये ऑप्शनल है, इसे आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने छोला मसाला तो डाला ही है. तो ये आप स्किप कर सकते हो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग. और इसके अंदर अब मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ जिससे मेरा मसाला नीचे लगे ना, क्योंकि काफ़ी हद तक भुन चुका है और मुझे भी थोड़ा और पकाना है ताकि कोई कचास ना रह जाए. तो थोड़ा पानी डाल के मैं इसको ये करूँगी और चलाते जाऊँगी साथ साथ. और इसके बाद जो मैंने ये है ना कसूरी मेथी, वो थोड़ी सी ऐड कर दी है. ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐड करो, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो. लेकिन घर में मेरे है ही तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया, इसका फ्लेवर अच्छा लगता है इस टाइप का ग्रेवी वाला सब्ज़ी में. और बस ये अब हमारा मसाला तैयार हो चुका है. तो अब इसके अंदर जो छोले मैंने ड्रेन करके रखे हुए हैं ना उबले हुए, वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं. और जो पानी बचा हुआ है ना, जब हमने ड्रेन किया था वाला पानी ब्राउन कलर का, वो अब हम यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर नीड, जितना हमें पानी चाहिए. अगर आप सिर्फ चावलों के साथ घर में नॉर्मल छोले बना रहे हो, आप पूरा भी डाल सकते हो. लेकिन ये भटूरे वाले छोले हैं तो इसमें पूरा पानी नहीं पड़ेगा, थोड़े से गाढ़े गाढ़े छोले अच्छे लगते हैं. तो जितना नीड है उसके अकॉर्डिंग डाल देंगे. और नमक वगैरह आप टेस्ट कर सकते हो, कम लगे यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो. और हाँ, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड होगा ऊपर से, जिससे महक बहुत अच्छी आ जाएगी. तो ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला है और मम्मी ने घर पे बनाया हुआ है, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी जल्द. तो ये मैंने ऐड कर दिया है. ऑलमोस्ट हमारे छोले रेडी हैं. अब ऊपर से एक तड़का जाएगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो इसके लिए मैंने घी लिया है, ठीक है. अब ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे ना भी डालो तड़के को, लेकिन डालोगे तो मज़ा आ जाएगा. रोज़ रोज़ तो वैसे भी ये चीज़ें नहीं बनती हैं. इसमें मैंने हरी मिर्च और अदरक के जो जूलियन बचाए थे, याद होगा आपको, वो डालें. फिर लाल मिर्ची कश्मीरी मिर्ची डालिए कलर के लिए. ये तड़का बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बढ़िया वाला टेस्ट आएगा. सो फाइनली हमारे छोले रेडी हो गए हैं. और अब हम प्रोसीड करेंगे किसके लिए, भटूरों के लिए. चावल भी बन चुके हैं, तो जिसके लिए ऑयल डाल देंगे कढ़ाई के अंदर. लेकिन हाँ, मैं कैसे भूल गई, मुझे आलू बनाने हैं पहले. तो चलो अचारी आलू बनाते हैं. अच्छा, एक गड़बड़ हो गई थी यहाँ, मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी ऑफ़ करके. यहाँ मैंने ऑफ़ किया था और ऑन तब किया जब मैंने सब कुछ डाल दिया. तो मैं बताती हूँ आपको, मैंने ऑयल के अंदर हींग, जल्दी से डालना होता है सब कुछ हल्की गैस करके, क्योंकि इसमें कोई प्याज व्याज नहीं पड़ती. हींग, लाल मिर्च, हल्दी, चाट मसाला, बस इतनी चीज़ें पड़ेंगी. मिर्ची थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी क्योंकि ये तीखे बनते हैं. और हरा धनिया. बस बन गए हमारे अचारी आलू. और थोड़ा सा 1 चमची पानी जिससे लिपटवा हो जाए, और बन गए हमारे अचारी आलू. इसमें चाट मसाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब फाइनली हम भटूरे के लिए प्रोसीड करते हैं। तो कढ़ाई दूसरी मैंने ले ली है और इसके अंदर डाल दिया है तेल। थोड़ा तेल ज़्यादा ही डालिएगा अगर आप चाहते हैं आपके भटूरे फूले फूले बने। और 1 से 1.5 घंटा हो चुका है वो बैटर जो हमने डो जो बनाया था हमने मैदा का वो रखे हुए 1.5 घंटा हो गया। तो उसको एक बार वापस से पीट लेंगे। तो पीट के जब भटूरे बनते हैं ना तो ये हलवाई स्टाइल भटूरे बनते हैं। वैसे अभी मैंने आटा लगाया लेकिन आप देखना काफ़ी अच्छे भटूरे तैयार होंगे इससे। तो एक बार इसको वापस से थोड़ा ठीक कर लेंगे और इसके बाद में इसके बनाऊंगी मैं बॉल्स। और वो किस तरह से बनाने हैं आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हो। लंबे भटूरे भी अच्छे लगते हैं, गोल भटूरे भी अच्छे लगते हैं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस जो आपके परिवार वालों को पसंद है आप बना सकते हो। तो बस अभी मैं फटाफट से बॉल बनाती हूँ और फिर आपको बना के दिखाती हूँ। लंबे भी बनाऊँगी, गोल भी बनाऊँगी और काफ़ी टेस्टी बने थे। वॉइस ओवर बाद में हो रहा है। तो इस तरह से कुछ मैं बॉल बना लूँगी ताकि एक जैसे बने और छोटे बड़े ना बने। और इसके बाद में अब मैं बेल के आपको दिखाती हूँ। एक लंबा बनाऊँगी। वैसे मेरे घर में गोल सबको ज़्यादा पसंद है तो आपको दिखाने के लिए मैं एक लंबा बनाने वाली हूँ जैसे कि प्रोफेशनली लोग बनाते हैं। तो ये देखिए और साथ में आम का अचार भी है क्योंकि आम का अचार भटूरे और छोले के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो ये गर्म तेल होना चाहिए। भटूरा अगर आपको फुलाना है तेल आपका गर्म होना चाहिए, भले आप बाद में उसको मीडियम फ्लेम पर कर दो। तो ये मेरा पहला भटूरा है जो कि अच्छी तरह से फूल गया है, आप देख सकते हो और खूब बढ़िया बना हुआ है। और आप इस तरह से बैटर मतलब डो बनाएंगे ना तो आपका जो भटूरा है वो ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा क्योंकि इसमें सूजी पड़ी हुई है। तो आप मानेंगे जब ये भटूरे बनाए मैंने और निकाल के जब मैं थाली में दे के आई तो किसी को भी इसमें ऑयल ज़रा भी दिखाई नहीं दिया। जनरली ऑयल दिखाई देता है भटूरे में तो खाया नहीं जाता, बहुत हैवी सा फील होता है देख के ही। तो इस तरह से जब मैं डो बनाती हूँ आटा बनाती हूँ तो बिल्कुल भी ऑयल फ्री मतलब ऑयल फ्री जैसे दिखते हैं भटूरे, ये एक अच्छी बात हो जाती है। तो आप इस तरह से डो बना के ट्राई कीजिएगा। और इस तरह से डो बनाना इजी भी है और सुबह सुबह आप बना सकते हो। कभी अचानक से मन कराया भाई छोले भिगोए हुए हैं और नहीं आज तो भटूरे खाने हैं, पूरी नहीं खानी या भटूरे का मन कर रहा है तो फटाफट से भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको फर्मेंट होने के लिए पूरा दिन रखना पड़ेगा जैसे हमारी मम्मियाँ रखती थी फर्मेंट होने के लिए, धूप में रख देती थी मम्मी मैदा बांध के, मुझे आज भी याद है। तो काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है, वो हिसाब से ये प्रोसीजर थोड़ा ठीक पड़ जाता है। आप देख रहे हो ना गोल भी कितने अच्छे बन रहे हैं, खूब फूल भी रहे हैं और बहुत ही पफ़ी बढ़िया से बन रहे हैं। तो आपको कैसी लगी मेरी छोले भटूरे की रेसिपी और अचारी आलू? अचारी आलू में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर कर दूँगी। वैसे पहले भी मैंने शेयर किया हुआ है। काफ़ी दिन से बच्चे बोल रहे थे छोले भटूरे, मैं कर नहीं पा रही थी तो आज मैंने कहा चलो हो जाए। रात को प्रशा ने याद दिला दिया था और प्रशा ने ही भिगो दिए थे छोले तो मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ सर्व करके। काफ़ी सारे भटूरे बन चुके हैं और यहाँ मैं सर्व कर रही हूँ सबसे पहले विवेक के लिए। तो ये है आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, चटपटी वाली, एकदम खट्टी वाली और तीखी वाली। और ये है भटूरे और साथ में करेंगे छोले सर्व। छोले के ऊपर का जो मैंने आपको तड़का बताया वो ज़रूर ट्राई करना, जो लंबे जूलियन जैसे कटे होते हैं अदरक हरी मिर्ची के, वो तड़के में लास्ट में बहुत अच्छे लगते हैं और देसी घी का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है। वैसे थोड़ा सा हैवी हो जाता है ये फूड लेकिन हम हमेशा नहीं खाते बिकॉज़ आपको भी पता है मेरे घर में साल में खाली 1 या 2 बार ही छोले भटूरे बनते हैं, इसके अलावा मैं बनाती नहीं हूँ। जनरली हमारे घर में ऐसे सिंपल फूड ज़्यादा बनता है, लाइट फूड ही बनता है। ये आज ही बस बन गया है। तो ये थाली बिल्कुल रेडी है, विवेक के लिए मैंने लगाई है, अब मैं विवेक को दे देती हूँ। और इसके साथ सैलेड बहुत अच्छी लगती है प्याज वाली। तो बस चलिए अब हम लोग खा लेते हैं और इसके बाद में आपको मैं कब मिलती हूँ कैमरा के सामने आराम से मिलती हूँ, थोड़ा रेडी होके ना, पसीने वाली हो गई हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक। अभी 6 बजे हुए हैं शाम के और छोले भटूरे खा के मस्त सब लोगों ने आराम किया, मैंने आराम नहीं किया, मुझे कुछ एडिटिंग्स वगैरह करनी थी तो मैं उसी में लगी हुई थी। और आज मैंने बेडशीट चेंज किया था सुबह में, कुछ शूट नहीं कर पाई मैं, जैसे कि चेंज करते हुए कई बार मैं कैमरा ऑन करती हूँ, आज नहीं किया था। ये भी अगेन मीशो वाली है, आपको याद होगा, कॉटन है, प्योर कॉटन। और इसके साथ ये रेड कलर के रखे हैं क्योंकि इसमें डार्क कलर के फ्लावर्स हैं तो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ मम्मी सो गई थी, यहाँ बैठ के मैं अपना एडिटिंग कर रही थी, विवेक पूरा दोपहर मूवी देख रहे थे, प्रिशा अपने ट्यूशन क्लास में एज़ यूजुअल, और वीक के भी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। और अब हमें एक डिसीज़न लेना है कि अभी के जो फिज़िकल ट्यूशन है वो स्टार्ट हुए हैं, यानी कि ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, और उसकी टीचर जो है वो बुला रही है ट्यूशन के लिए। हमें समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें, आप ही बताओ अब क्या करना चाहिए बिकॉज़ मैं तो मना ही कर रही हूँ विवेक को। और आज विवेक मुझे कह रहे थे कि कोई अच्छा सा सूट डालो, तुम आजकल बड़ी डल सी रहने लगी हो जब से मैं बीमार हुआ हूँ। हाँ, थोड़ा डिफरेंस मेरे में आया, मुझे खुद को भी लग रहा है मेरे कपड़े पहनने के स्टाइल में, रहने के स्टाइल में। जब से वो बीमार हुए हैं मैं थोड़ी सी ना वो हो गई हूँ, मन नहीं करता कुछ ज़्यादा कि मैं वेस्टर्न पहनूँ या कुछ। विवेक कह रहे थे तुम्हें वेस्टर्न में देखे बहुत टाइम हो गया, तो फिर भी मैंने ये वाला सूट डाल लिया। जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता, ढीला ढाला सा भी है और बहुत सुंदर है। ईशीन ब्रांड का है ये, और पता है ये मिंत्रा पे 2200 समथिंग का है, 2200 समथिंग का। मीशो से मुझे आई थिंक 1600 समथिंग में मिल गया था। इसकी चुन्नी भी है जो कि मैं कहीं रख के भूल गई हूँ, मिल नहीं रहा है। बहुत जल्दी वट सावित्री व्रत आने वाला है, और आप लोग सोचेंगे कि क्योंकि वट सावित्री व्रत उधर हो चुका है नॉर्थ साइड में 10 तारीख को, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे 15 दिन बाद होता है। वो तिथि जो वहाँ होती है वो यहाँ 15 दिन बाद चलती है, ऐसे कुछ है, मतलब कुछ चक्कर है। क्योंकि मेरी सासू आई हुई है, वो हमेशा से वट सावित्री उन्होंने किया था जब डैडी थे, तो उन्होंने ही मुझे बोला कि नहीं 10 को नहीं 24 को है, इसीलिए मैं भी रुकी हुई हूँ। तो अब मेरी वट सावित्री की तैयारी तो क्या, मतलब सब कुछ है घर में। मैक्सिमम मुझे चूड़ियाँ वगैरह लानी है तो वो ले आऊँगी मैं 1-2 दिन में। और छोले भटूरे अच्छे बने थे, इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो, काफ़ी टेस्टी बने हुए थे। ज़रूर से ट्राई करना, आपको मज़ा आएगा, बहुत अच्छे लगे और सबको बहुत पसंद आए। और जब कुछ चीज़ हम बनाते हैं और घर वालों को सबको पसंद आती है तो ये चीज़ हमें बहुत खुशी देती है। तो मुझे खाने से ज़्यादा खिलाने में मज़ा आता है, और हर एक औरत का ऐसे ही है। मतलब खाना जब हम बनाते हैं तो हमें ऐसा लगता है घर वालों को पसंद आ गया, यानी हम पास हो गए, जैसे हमने अपना एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया। तो इन लोगों को बहुत मज़ा आया छोले भटूरे खाने में। और मैंने जानबूझ के मैदा ज़्यादा वो की थी कि रात को भी ये लोग खा सकें। विवेक रात को नहीं खाएंगे, हाँ विवेक ने एक ही भटूरा खाया जब से वो बीमार हुए अभी तक। उन्होंने आज पहली बार मैदा का एक भटूरा खाया, क्योंकि मैंने बनाया था। इसके बाद उन्होंने रोटी खाई, उनके लिए रोटी थी, मैंगो था, ज़ीरा राइस थे, और तो उन्होंने वो खाया। तो अभी चलो शाम का वक्त है, चाय हमारी हो चुकी है, वो मैं आपको नहीं दिखाई। किसने बनाई थी? प्रिशा ने बनाई थी। प्रिशा यहाँ बैठी है, ये बैठी, एसी चला के हम लोग बैठे हुए हैं। बस अभी एसी बंद करेंगे, बाहर क्लाउडी वेदर है, आपको दिखाती हूँ। अब आप सोचोगे क्लाउडी वेदर है एसी क्यों चालू किया, क्योंकि घड़ीक में बारिश आ जाती है। बारिश रात को छुटपुट छुटपुट होनी स्टार्ट हुई है 2 दिन से, और घड़ीक में इतनी तेज़ आ जाती है कि अंदर पानी आ जाता है। तो दोपहर को तो वैसे भी लाइट नहीं चाहिए मुझे, अंधेरा करके लेटने में मज़ा आता है। सोचा था सो जाऊँगी, पर काम करने बैठी तो सोने का टाइम ही नहीं मिला। तो अब देखते हैं, डिनर में तो आज कुछ ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आज छोले भटूरे, राइस सब कुछ है। राइस बनेंगे, थोड़े रोटी बन जाएंगी, देखते हैं और क्या बनाती हूँ विवेक के लिए, क्योंकि शायद उनको छोले भारी पड़ जाएंगे। तो उनके लिए कुछ बनाना पड़ेगा, देखते हैं क्या बनाते हैं। और मम्मी चाय भी नहीं है बाहर अभी, हमारी चाय जस्ट फिनिश हुई। और क्या बताऊँ, बस दैट्स इट फॉर नाउ। और अच्छी लग रही है चादर, कैसी लग रही है आपको मुझे बताना कमेंट करके। और आज मैंने सिंदूर लगाया, वो भी कितना पतला सा बहुत दिन के बाद शायद मैंने लगाया है, लेकिन अच्छा लग रहा है। मुझे सिंदूर लगाना पसंद है, लेकिन मैं कई बार भूल जाया करती हूँ, तो अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है। चलिए फिर आराम से मिलते हैं आप थोड़ी देर के बाद। बारिश हुई है अभी भी जस्ट, खूब बढ़िया वाला मौसम हो गया, लग रहा है यहाँ मानसून आ गया। विवेक है, हल्के हल्के से गीले हैं ना, सुखाने पड़ेंगे ना ये हैं। हाँ थोड़े थोड़े से हैं। बारिश के टिपके बहुत ठंडे थे, पता है। एक क्लिपिंग बाहर उड़ के चली गई, एक क्लिपिंग के क्लिप तो आप ऐसे खींचो मत ना, बोल निकालो हटाओ खींचो मत। हाँ मम्मी, तो मौसम काफ़ी सुहाना हो रहा है, आपने भी देखा ना। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा, जैसे कभी कभी रात को बारिश आ जाती है, ज़्यादा अच्छी तरह से तो मानसून नहीं आया है, लेकिन अच्छा है वेदर। और यहाँ पे मैं थोड़े कपड़े धुले हुए थे, तो आजकल ये स्टैंड मैंने यहाँ रखा हुआ है, आपको पता ही है हम लोग यहाँ सुखा देते हैं कपड़े, मतलब मैं रोज़ सुखा देती हूँ यहाँ पे। और फिर रात में क्या करते हैं हम लोग, फ़ैन ऑन करके सो जाते हैं इस साइड का, तो सारे कपड़े सूख जाते हैं। ये स्टैंड मुझे बहुत काम लग रहा है गाइज़। मैंने लास्ट ईयर, आपको याद होगा, आप ही लोगों ने मुझे बहुत बोला था कि दीदी आप एक स्टैंड ले लो, तो ये मेरा बहुत काम आ रहा है। ये मैंने मीशो से लिया था और क्वालिटी में बहुत अच्छा निकला है, और मैं बहुत मतलब हैप्पी हूँ इसको लेने के बाद। तो शाम का टाइम है, अभी पूजा भी करेंगे, इसीलिए मैंने दरवाज़ा वगैरह ओपन कर दिया है। पूजा के टाइम पे शाम को दरवाज़ा खोल देना चाहिए बाहर का। और ये कपड़े जितने भी हैं ना, इस पर बहुत रह जाते हैं। मैं आपको बोलूँ तो 2 लॉट मेरे मशीन में लग जाएँ, उससे भी ज़्यादा कपड़े रह जाते हैं। साथों साथ इसमें हैंगर लगाने के लिए भी काफ़ी अच्छी खासी जगह है साइड पे, तो अगर कपड़े स्टैंड पे ना आएँ तो हैंगर में रह जाते हैं। तो मुझे बहुत, आई एम रियली हैप्पी विद दिस स्टैंड। मेरे सारी चीज़ें, सारे कपड़े बहुत अच्छी तरह से रह जाते हैं। और मशीन में थोड़े से ड्राई तो ऑलरेडी हो ही जाते हैं, तो फिर पंखे में फटाफट सूख जाते हैं। तो इस बार मुझे बिल्कुल इश्यू नहीं आ रहा। तो अब चलिए मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर पसंद आया ना तो लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, मेरी सासू माँ को बहुत अच्छे लगे छोले भटूरे और उन्होंने भी सीख लिए। और हाँ, यहाँ पे मैं क्या जला रही हूँ? कपूर जला रही हूँ। शाम के टाइम पूरे घर में जलाना चाहिए और घुमाना चाहिए, इट्स गुड। और चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर गाइस, बाय बाय।